नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव और इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद के गांव अटाली के अंदर। आपको याद होगा कि जो है वो पुलवामा आतंकी हमले में जो है वो शहीद हुए थे अटाली गांव के ही शहीद काली रमन, और उन्हीं की जो याद में जो है वो जो आवाज है उनकी मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। आज शहीदी दिवस के मौके पर जो है वो गाँव के लोग और तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और उसी संदीप काली रमन की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ हवन यज्ञ करके जो है वो फिलहाल मूर्ति का अनावरण की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, और कुछ ही समय बाद जो है वो आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचेंगे, तमाम वो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, और इसी को लेकर के जो है वो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शहीद के मान सम्मान को रखते हुए जो है वो पूरे तरीके से जो है वो गांव के लोग और आसपास के तमाम मौजूद लोग और साथ ही साथ सेना के अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और इसके बाद जो है वो शहीद की मूर्ति का जो है वो अनावरण किया जा रहा है। और ये सामने जो देख सकते हैं आप, ये मूर्ति बनाई गई है संदीप कालीरमन की, जो सेना के आतंकी हमले में जो शहीद हुए थे, और उन्हीं को जो है याद में, उनकी याद में जो है वो गाँव के इसी स्कूल के अंदर, यानी कि जो स्कूल है राजकीय स्कूल है ये गांव अटाली का, इसी के अंदर जो है वो मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस समय स्टेडियम के अंदर जो है वो अनावरण किया जा रहा है खेल कूद का प्रतियोगिता के चलते। कहीं कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जो है वो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे ये संदीप काली रमन, और इन्हीं की मूर्ति का आज अनावरण करके, क्योंकि आज शहीदी दिवस के मौके पर जो है वो तमाम वो लोग पहुंचे हुए हैं, गांव के लोग भी हैं। गांव के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं एक बार क्या कहना चाहते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? राम आज काफी दूसरे वर्ष देख साल दूसरे हो, एक साल से ऊपर हो गया है शहीद हुए संदीप को, आज क्या प्रोग्राम है, क्या खास कार्यक्रम रखा गया? आज इनकी मूर्ति प्रहरण एक प्रोग्राम है, हेलो तो इसके साथ भैया, हो वहाँ जा रहे थे, हवन हो रहा रखिए है, पहले, तो उसके बाद और सभी इसके सामान रख बाद लीजिएगा। मतलब जो कुछ प्रसाद बनेगा उस प्रसाद को बांटेंगे। कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं संदीप शहीद जो है वो काली रमन युवाओं के लिए। हाँ, हेलो हेलो बढ़िया भैया, सभी बढ़िया ध्यान देंगे, बढ़िया पांच जवान, पांच आहुति डालेंगे, हाँ सुहा बोल करेंगे, कहीं और ना कहीं सब देखिए युवाओं बदलते के हैं लिए अपना काम, प्रेरणा का सभी स्रोत का बने नंबर हैं, आना और चाहिए, बिल्कुल सभी साथ जो है साथ वो में आज इस हवन प्रेम की जो साहूति है डालेंगे, वो सुहा बोलेंगे, आहुति क्योंकि डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुहा से आहुति पूर्ण मानी जाती है, और कहने की जरूरत ना पड़े भैया बार बार, जैसे मेरे भाई बैठे पांच जने, फिर अगले पांच आ जाए, ऐसे पांच पांच करके आते रहेंगे जी, और सुहा चेंज कर देंगे। ये देखिए हवन यज्ञ करके जो है वो हाँ जी, ओम प्रजापति आप देख सकते स्वाहा, हैं इस समय पंजाब केसरी के इदं लाइव पेज पर, प्रजापति और इदं नमन, ये देखिए जो है ओम वो अग्ने हवन स्वाहा, यज्ञ इदं कुंड जो है वो करके जो है वो इसमें अग्ने याद किया इदं जा रहा नमन, है। और कहीं ना कहीं ओम इस तरीके इंद्राय से तमाम स्वाहा, सेना के अधिकारी की बात इदं करी जाए, तमाम इंद्राय सेना इदं के नमन नमन, लोगों की ओम बात करी जाए तो सोमाय वो सभी यहाँ पे स्वाहा, पहुंचे हुए हैं। इदं सोमाय इदं नमन, ओम भूः स्वाहा, इदं अग्ने इदं नमन, ओम भुवः स्वाहा, मंत्र उच्चारण के साथ जो है वो हवन यज्ञ किया जा रहा है, और हवन यज्ञ के पश्चात जो है वो शहीद की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। गांव का बड़ा दहस रोल चल रहा है, तमाम आसपास के गांव के लोग भी जो है वो आज शहीद को
इस समय देखिए आप जो है वो लगातार जो है वो शहीद संदीप कलीरमन की जो मूर्ति का अनावरण कर रहा है और तमाम जो आसपास के मौजूद लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा हवन यज्ञ करके जो है वो आहुति डाली जा रही है और जो है वो पूजा अर्चना करके जो है वो शहीद को जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शहीद संदीप कलीरमन ने जो है वो देश के लिए अपने प्राणों की न्योछावर किया था और उसी को चलते आतंकियों से लोहा लेते हुए जो है वो देश के लिए शहीद हुए थे और इसी के बाद से ही आसपास के गांव के लोगों का जो है डिमांड थी कि यहाँ पे संदीप शहीद की जो है वो एक मूर्ति का अनावरण किया जाए, तो इसी को देखते हुए आज जो है वो मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। तमाम सेना के अधिकारी भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं लगातार। चलो
फिलहाल जो है वो मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। मूर्ति के अनावरण के पश्चात जो है वो यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया गया है शहीद के याद में। जो है वो ये पूरे गांव वाले आज यहाँ पे एकत्रित हुए, बाकायदा हवन यज्ञ करके जो है वो उस शहीद संदीप कालीरमन को जो है वो आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी तरीके से लगातार तमाम आसपास के गांव के लोग इस समय यहाँ पे मौजूद हैं और उस शहीद को जो है वो हवन यज्ञ करके जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।